और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, सुपर ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त की जान लीजिए आप। चुक के हितों को देखते हुए पीएम ने ये फैसला लिया है। आज जो हाई लेवल मीटिंग होनी थी और इस मीटिंग के बाद पीएम ने ये फैसला लिया है। बच्चों की सेहत इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने। स्कूल कॉलेज खोलने को लेकर सरकार ने अभी भी बहुत ही बड़ा ऐलान कर दिया। कई सारे राज्यों में कोरोना के केस कम होने के साथ ही स्कूल कॉलेजों को खोल दिया गया था, लेकिन इसी बीच एक डरावनी खबर सामने आ रही। स्कूल में कोरोना की दस्तक हो चुकी है। पंजाब के लुधियाना में 20 और अबोर में 3 छात्र कोरोना संक्रमित पाए गए। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ में भी कई सारे स्कूलों में कोरोना संक्रमित छात्र पाए गए, जिसके बाद में सरकार में हड़कंप मच गया और स्कूलों को फिर से 14 दिन के लिए बंद करने का ऐलान कर दिया। इसके साथ ही कई सारे राज्यों ने स्कूल कॉलेज 22 अगस्त तक बंद करने का ऐलान किया है और कई सारे राज्यों का कहना है कि अभी नवंबर तक स्कूल कॉलेज खोलने का हमारा कोई भी प्लान नहीं है। जैसे बात कर लेते, राजस्थान सरकार ने पहले कहा था कि 2 अगस्त से स्कूल कॉलेज खोल दिए जाएंगे, लेकिन उस फैसले को वापस ले लिया था और फिर से स्कूल कॉलेज बंद करने का ऐलान कर दिया था। लेकिन अब सरकार का कहना है कि यदि कोरोना की स्थिति सही होती है तो स्कूल कॉलेज खोले। लेकिन आप सभी को याद होगा कि कई सारे देशों में कोरोना की तीसरी लहर आ चुकी है, जिसमें सबसे ज्यादा बच्चे प्रभावित हो रहे हैं, जिससे भी सरकार डरे और सहमी हुई है। इसके अलावा बात कर लेते, भारत में भी केरल के अंदर तीसरी लहर की आशंका जताई जा रही है, क्योंकि वहां पर भारत में जो पूरे केस है उसे आधे केस केरल में आ रही है, तो वहां पर तीसरी लहर की दस्तक मानी जा रही है कि वहां पर तीसरी लहर आ चुकी है, जिसके चलते कई सारे बच्चे संक्रमित हो रहे हैं। इसके अलावा कई सारे राज्यों ने स्कूल कॉलेज बंद करने का ऐलान कर दिया है और कई सारे राज्यों ने कहा है कि फिलहाल अभी स्कूल कॉलेज खोलने का हमारा कोई भी पक्ष नहीं है। इस पर आप फिलहाल क्या राय, क्या स्कूल को सरकार को अभी खोलना चाहिए फिर नहीं खोलना चाहिए, इसके बारे में आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। धन्यवाद।